This call is now being recorded. सबसे पहले हम स्वामी शिवानंद सरस्वती के बारे में पढ़ते हैं। सारा सारा ना पढ़ के मोस्ट मोस्ट चीजें पढ़ेंगे। सबसे अधिक अभी तक हमने जितने भी पेपर देखे हैं सभी में अभी तक या तो इनको सीक्वेंस में लगाना अकॉर्डिंग देयर एजेस कि इनको सीक्वेंस में लगाइए या इनकी रचनाएं के बारे में पूछा गया है। तो मेरा मानना यह है कि हम मोस्ट मोस्टली पढ़े इनका सब कुछ। तो सबसे पहले स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का जन्म 8 सितंबर 1887 में हुआ और इनकी मृत्यु 14 जुलाई 1963 में हुई। इनका इंट्रोडक्शन है, अगर मैं क्लास से आउट हो रही हूँ तो प्लीज लेट मी नो, ओके? क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन, लाइक अगर मैं ऐसे। नाम है इनका स्वामी शिवानंद, बचपन का नाम कप्पू स्वामी, जन्म 8 सितंबर 1887 को हुआ, जन्म स्थान पट्टा मड़ाई गांव में तमिलनाडु में हुआ, पिता का नाम पीएस वेंगाय वेंगाइल वेंग वेंगायर हैं, माता पार्वती अम्बा व गुरु हैं इनके विश्वानंद सरस्वती के। इनके गुरु भी सबके गुरु मोस्ट हैं कि हम इनके गुरु और इनकी रचनाएं इनको ज्यादा ध्यान दें। शिवानंद सरस्वती के गुरु का नाम है विश्वानंद सरस्वती। इनके संस्थापक रहे हैं दिव्या जीवन संघ, डिवाइन लाइफ सोसाइटी। इन्होंने ये 1936 में बनाया और योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी जो कि 1948 में इन्होंने दी। फिर इनकी मृत्यु हुई 14 जुलाई 1963 को। 75 वर्ष की उम्र में शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, ओके? स्वामी शिवानंद ने 19 फरवरी 1947 को ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना की। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं ये, थॉट पावर इज ए पाथ टू गॉड एंड रियलाइजेशन, ब्रह्मचर्य इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ, योगा इन डेली लाइफ, जप योग, माइंड इट्स मिस्टीरियस कंट्रोल, द भागवत गीता, तंत्र योग, नारी योग एंड क्रिया योग, योग आसन, कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, ब्लस ट्राइंग, कुंडलिनी योग, ऑल अबाउट हिंदुस्तम हिंदुज्म एंड द साइंस ऑफ प्राणायाम। विद्यार्थी जीवन से चिकित्सा तक का ऐसा कुछ आई थिंक, देखिए ये इसमें इंपॉर्टेंट है। सन 1905 में तंजोर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBCM अर्थात चिकित्सक की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने द एम्ब्रोसिया नामक चिकित्सा पत्रिका की भी शुरू की। सन 1929 में कप्पू वापिस भारत लौट आए। स्वामी विश्वानंद ने इनका नाम शिवानंद रखा और स्वामी शिवानंद ने ऋषिकेश में सन 1932 में शिवानंद आश्रम और 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की। इसके पश्चात 1948 में योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना की, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है? यहाँ पे हमारा शिवानंद समाप्त होता है। प्रियंका जी आप हैं यहाँ? हाँ जी स्वीटी जी। हाँ जी, इसको आप पढ़ दीजिए, स्वामी राम हिमालयम। स्वामी राम हिमालय जी का जन्म 2 जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान था टोली गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। इनका बचपन का नाम था विरज किशोर कुमार और गुरु का नाम बंगाली बाबा।
इन्होंने हिमालयन योगी के नाम इनको हिमालयन योगी के नाम से भी जाना जाता है। उपाधि शंकराचार्य जी की उपाधि मिली थी इनको। संस्थापक हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस फिलोसफी, और इनकी मृत्यु हुई थी 13 नवंबर 1996 ईस्वी को। स्वीटी जी पेज आगे कीजिए। इनकी शिक्षा स्वामी राम ने हिमालय के दिव्य संत अगोरी बाबा, सोमवारी बाबा, गुदड़ी बाबा की कृपा और आशीर्वाद से योग में अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद स्वामी राम ने भारत के विभिन्न शहर बेंगलोर, प्रयाग, वाराणसी आदि में रहकर विभिन्न विषयों में शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से भी डिग्री प्राप्त की। 24 वर्ष की युवा अवस्था में स्वामी राम कंवर पीठ दक्षिण भारत में शंकराचार्य की गद्दी पर बैठे इन्हें शंकराचार्य की उपाधि मिली। सन 1949 में 1952 तक लगातार 4 वर्ष तक स्वामी राम शंकराचार्य की गद्दी प्राप्त हुई। आश्रम स्थापना। स्वामी राम शंकराचार्य की गद्दी को छोड़कर नेपाल क्षेत्र में हिमालय पर्वत पर नंगे पैरों में कमंडल कर रहने लगे। यहाँ पर इन्होंने अपना पहला आश्रम स्थापित किया। यहाँ आश्रम काठमांडू में, काठमांडू से बाहर धुली खेल के रास्ते में हिमालय पर्वत के घने जंगलों में था। आजकल इस आश्रम को हंसानंद योग आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लंदन में एक चिकित्सक सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थी। इन्होंने मास्को रूस में प्रामनोवैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर अनेक शोध कार्य भी किए। ऋषिकेश में साधन मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। सन 1966 में स्वामी राम ने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी संस्थापक की कानपुर में की। साथ ही अमेरिका एवं यूरोप के कई देशों में शाखाएं भी खोली। विदेश में सबसे पहले 1970 में अमेरिका में शहर ग्लेनव्यू एम इनेलो साइंस में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ योग साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना की। यहाँ स्वामी राम ने लगभग 23 वर्ष तक कार्य किया। इसके बाद पुनः भारत लौटे और यहाँ सन 1989 ईस्वी में जोली ग्रांट देहरादून में हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। स्वामी राम ने 1994 में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हॉस्पिटल और 1995 में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। स्वामी राम ने अपनी मृत्यु से पहले सभी योजनाओं को लव सर्व रिमाइंड के मोटो के साथ करने के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को संदेश दिया। 13 नवंबर 1996 को स्वामी राम ने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया। स्वामी राम जी की प्रमुख पुस्तकें मेडिटेशन एंड प्रैक्टिस, द आर्ट ऑफ जॉयफुल लिविंग, लव एंड फैमिली लाइफ, कॉन्शियस लिविंग, गुड बुक, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस इन योर क्रिएटिविटी, रॉयल पैथ लेसन इन योगा, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स। आगे कीजिए। इनका ध्येय वाक्य है ये, ठीक। हाँ, इनका ध्येय वाक्य था, बी हैप्पी एंड फेयरलेस, रिमेंबर दैट यू आर चाइल्ड ऑफ डिवाइनिटी, लेस एंड अगेन कैन नॉट इवन टच योर शैडो। विशेष, स्वामी राम ने शरीर का तापमान, मस्तिष्क तरंगों एवं हृदय को रोकने और नियंत्रण करने जैसे कई शारीरिक क्रियाकलापों का प्रदर्शन कई बार वैज्ञानिकों की टीम के सामने किया। फास्ट तो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने रिवाइज तो पहले कर ही रखा है ये। यस यस, हाँ, अगर आपको ज्यादा फास्ट लग रहा है तो मैं थोड़ा स्लो कर देती हूँ। मोस्ट मोस्ट पढ़ दीजिए आप इनका, प्रियंका जी। ठीक है। स्वामी राम हिमालय यूनिवर्सिटी। डॉक्टर स्वामी राम ने 1989 ईस्वी में उत्तराखंड के लोगों की सेवाओं के लिए द हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की। स्वामी उस शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य में HIHT ट्रस्ट के तहत देहरादून में स्वामी राम हिमालय जी ने विश्वविद्यालय 2013 में UGC, NCI और इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग की मान्यता के साथ स्थापना हुई। यहाँ पे ये समाप्त होता है। संत कबीरदास जी, संत कबीरदास जी के बारे में बोला गया है इसमें कि जो संत कबीरदास जी है ना, ये भारतीय संत परंपरा के अनमोल रत्न माने जाते हैं। ये मध्यकालीन भारत के सफल साधक और तपस्वी भक्त, कवि एवं समाज सुधारक थे। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञान मार्गी उप शाखा के महानतम कवि थे। ठीक है। इनके जन्म के विषय में
अनेक मत प्रचलित हैं, जैसे कि अपने जन्म स्थान का वर्णन कबीर ने अपने एक दोहे में किया, काशी में प्रगट भये रामानंद चेताए, काशी में प्रकट हुआ और गुरु रामानंद ने मुझे शिष्य बनाकर ज्ञान दिया। ये इनकी मुख्य बात हो सकती है, वेरी मोस्ट पॉइंट। कबीर साहब का जन्म कब हुआ यह ठीक ठाक ज्ञात नहीं है। मोटे आमतौर पर उनका जन्म 14वीं और 15वीं शताब्दी में काशी वर्तमान समय का वाराणसी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार उनका अवतरण सन 1398 संवत 1455 में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहर तारा तालाब में कमल पर हुआ था। देखिए, जहां से नीरू नीमा नामक दंपति उठा ले गए थे, उनकी इस लीला को उनके अनुयायी कबीर साहेब प्रकट दिवस के रूप में मनाते हैं। वे जुलाहे का काम करते थे, जुलाहे का काम करते थे। गुरु की खोज धर्म और कबीर जी के बारे में बोला गया है, गुरु की खोज के बारे में बोला गया है। कबीर के गुरु के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कबीरदास जी ने आचार्य रामानंद जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, ठीक है, गुरु के रूप में श्री रामानंद जी को कबीरदास ने स्वीकार किया, जो कि वैष्णव संप्रदाय के थे। धर्म के प्रति दृष्टि के बारे में बोला गया, कबीर परमेश्वर के एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्मकांड के घोर विरोधी थे। मूर्ति पूजा, रोजा, ईद, मस्जिद, मंदिर, उनका विचार था कि इन क्रियाओं से आपका मोक्ष संभव नहीं है। वाओ, कितनी अच्छी बात बोली है। Excuse me. Please, sometimes you tell in English, means some people are they are not able to understand even if Hindi. Means all things they can't able to understand. I can understand. If you have a PDF in English, then please provide me. Then I will repeat it in Hindi or English, in both languages. आप थोड़ा बीच बीच में ना इंग्लिश में बोल दीजिए, मीन्स इसका बंद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना उसको थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए, नहीं तो कुछ भी उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिपीट इन इंग्लिश। तो कबीरदास जी कहते हैं, देखिए, हरिओम ऊ पीऊ मैं राम की बहुरिया, हरी जननी मैं बालक थेरो। कबीर को शांति में जीवन पसंद था, इनको पीसफुल लाइफ बहुत पसंद थी और ये अहिंसा, सत्य, सदाचार, मतलब कि ट्रूथनेस हुई हमारी, और जो इनका अहिंसा लाइक लड़ाई ना करना आदि की अनुपालना करते थे, मतलब कि इंग्लिश में बोले तो लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन, anybody is there to explain it in English? Yes, what you are saying means, can you repeat it in you can repeat it in Hindi, no issue. Okay. Kabir Hindu aur Musliman dono ki galat prathaon ke virodhi the, theek hai, Hindu aur Musliman in dono ke matlab ki virodhi the, jo prathaen hain inke ekdam matlab ki अपोजिट में थे, ऐसी बातें कुछ नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ये बोला। मूर्ति पूजा के विषय में कबीर ने एक दोहे में कहा, मतलब कि जो मूर्ति पूजा हम करते हैं, जो हम भगवान को पूजते हैं, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहार, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर जी कहते हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से यदि भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता, इससे तो चक्की की पूजा अच्छी है जिससे अन्न पीस कर लोग अपने पेट भरते हैं। ठीक है, कबीर की साधना के बारे में बोला गया जो इन्होंने किया। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज में, मतलब कि ट्रुथ को ढूंढने के लिए इन्होंने, और असत्य के अखंड में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं जानने से आरंभ होते हैं। कबीर के लिए राम रूप नहीं है, नहीं दशरथ पुत्र राम है, उनके राम तो नाम की साधना के प्रतीक हैं।
उनके राम तो निगुण और कण कण में बसे हैं। ओके, मतलब इन्होंने ये नहीं बोला है कि राम जो दशरथ के पुत्र माने जाते हैं, हमने रामायण पढ़ा है, उनको माना हो। इन्होंने किसी भगवान को नहीं माना, इन्होंने के मन में बोला कि राम तो निर्गुण है और जो कि कण कण में बसे हैं। ठीक है, छोटी से छोटी चीज में राम बसे हैं। कबीर की भाषा शैली, कबीर की भाषा शैली में हिंदी भाषा की लगभग सभी बोलियां सम्मिलित हैं। इनकी भाषा शैली सुदुकड़ी है। यह 5 तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेय खिचड़ी भी कहा जाता है। ब्रज भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, अवधी, हरियाणवी, ये 5 इनकी भाषाएं हैं। इन्होंने कभी कोई ग्रंथ या दोहे नहीं लिखे। ठीक है, इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कबीर बीजक नाम ग्रंथ है, और कबीर का साहित्यिक लेखन है। इस ग्रंथ में कबीर साहेब जी साखियों के माध्यम से सुरता आत्मा को आत्म और परमात्मा ज्ञान समझा समझाया करते थे। और कबीर जी का जो बीजक है वो कहते हैं, बीजक के बारे में, कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 में किया। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद भाग हैं। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रैमिनी, सबद, साखी। ठीक है, रैमिनी का अर्थ है रामायण, और इनका प्रयुक्त छंद है चौपाई और दोहा, भाषा ब्रज भाषा और पूर्व बोली, पूर्वी बोली। शब्द में अर्थ है इनका ज्ञान, और सॉरी, शब्द का अर्थ है शब्द, प्रयुक्त छंद ये पद, भाषा ब्रज भाषा और पूर्व बोली। साखी इनका अर्थ है साक्षी, और प्रयुक्त छंद है इनका दोहा, भाषा राजस्थानी, पंजाबी, मिली, खड़ी बोली। ओके, मिली, मिक्स। कबीर की शब्दावली है। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर साहेब जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई है। कबीर दोहावली, इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर साहब जी के दोहे सम्मिलित हैं। इस ग्रंथ में कबीर साहिब जी के पद व दोहे सम्मिलित किए गए हैं। यह सूक्ष्म वेद है, मतलब छोटे, जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। कबीर की मृत्यु के बारे में, इनकी मृत्यु 1575, जन्म की भांति ही कबीर की मृत्यु की घटना को लेकर भी मतभेद अलग हैं, बहुत सारे हैं। लगभग 120 वर्ष तक का जीवन इन्होंने समाज में चल रही कुरीति और ढोंग आडंबर पाखंड से समाज को बचाने में व्यतीत किया। कबीर ने अनुयायी मानते हैं कि इनके मृत्यु उत्तर प्रदेश के काशी शहर में नजदीकी मगहर नामक स्थान पर हुई। कबीर और योग के बारे में बोला गया है। कबीर दास जी ने मन व शरीर की एकाकार अवस्था को ही योग कहा है। ठीक है, कबीर जी का नाद योग, हठ योग और कुंडलिनी योग से पूर्वत मिला जुलता है। ठीक है, ये कुछ दोहे हैं, आई थिंक ये नीड ही नहीं है, एंड थैंक यू। इन्होंने लास्ट में बोला है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरा। नेक्स्ट इज श्री अरविंद घोष। और अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस श्री अरविंद घोष से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से पढ़ेंगे। इनका इंट्रोडक्शन कहता है, इंग्लिश मीडियम अगर किसी के पास इंग्लिश में अगर पीडीएफ अपलोड है तो प्लीज वो शेयर कर दीजिए। We have no PDF, we have in Google Drive. ओके, Like you have a PDF in means WhatsApp, like that we have no, but we have in Google Drive. Okay. सॉरी फॉर टुडे ओनली, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टुमारो। इट्स ओके मैम, ओनली बीच बीच में थोड़ा सा इंग्लिश में बोल दिया, मीन्स इसका ये बुक्स मीन्स जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको ओके थोड़ा ओके इंग्लिश में बोल दीजिए,
का जो बर्थ है वो 15 अगस्त 1872 में हुआ है, ठीक है। इनका जो प्लेस है वो कोलकाता है, बंगाल में है। इनके फादर का नाम कृष्ण धन घोष, वो एक डॉक्टर थे। माता स्वर्ण लता देवी हैं। वाइफ मृणालिनी देवी, और इनके संस्थापक श्री अरविंद आश्रम, जो इन्होंने संस्थापक बने जिस चीज के, श्री अरविंद आश्रम। दर्शन इंटीग्रल योग, पूर्ण योग जिसको बोलते हैं। मृत्यु हुई इनकी 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में। महर्षि अरविंद के अनुसार अपने आप से जुड़ना ही योग है, खुद से जुड़ना ही योग है। ओके, हम खुद से जुड़ते हैं वही योग, महर्षि अरविंद ने बोला है। शिक्षा के बारे में ऐसा कुछ है नहीं। 1879 में अरविंद जब 7 वर्ष के थे, इनके पिता अपनी पत्नी एवं बच्चे बच्चों सहित इंग्लैंड चले गए। ओके, और नेक्स्ट है इनका। अरविंद ने 1884 से 1889 तक सेंट पॉल स्कूल लंदन में 5 वर्ष तक अध्ययन किया, ठीक है। इनकी जो नेतृत्व हुआ है वो ग्रीक भाषा का अध्ययन किया इन्होंने। अरविंद का भारत आगमन, बड़ौदा गुजरात के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने रियासत की सेवा के लिए अरविंद को चयनित कर लिया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, विवाह के लिए भी इतना इम्पोर्टेंट आई थिंक नहीं है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं है। हाँ, अरविंद का राजनीतिक जीवन। सन 1906 से ही अरविंद दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में भारतीय आंदोलनों में भाग लेने लग गए थे। ओके, और 1907 और 1907 से 1908 तक अरविंद ने बाल गंगाधर तिलक के साथ भारत के अनेक राज्यों की यात्रा की। और अब अलावा सॉरी ऊपर कुछ रह गया। अरविंद ने कर्म योगिनी अंग्रेजी भाषा और धर्म बंगाली भाषा के बंग भाषा में 2 पुस्तकों का लेखन कार्य भी किया। इसके अलावा अरविंद ने बांग्ला पत्रिका सुप्रभात में कई लेख लिखे। ये मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला अपना। अरविंद ने सन 1914 में 1914 के बाद दर्शन पर मासिका पत्रिका आर्य शुरू की थी। आर्य एक पत्रिका आर्य शुरू की 1921 से 1938 तक पूरे 12 वर्ष श्री अरविंद गहरी मौन साधना एवं ध्यान में लीन रहे। फिर 1938 से 1950 तक मौन साधना का दूसरा चरण भी अरविंद का 12 वर्ष का रहा। इस दौरान सेवक चंपकलाल और शरीमा ही अरविंद से मिल सकते थे, अन्य सभी का श्री अरविंद के कमरे में प्रवेश निषेध था। महर्षि अरविंद का यह विश्वास था कि सांसारिक दुख का निवारण केवल आत्मा के विकास से ही हो सकता है। 5 दिसंबर 1950 को श्री अरविंद भौतिक शरीर को छोड़कर सदा के लिए पंच तत्व में लीन हो गए। श्री अरविंद का पूर्ण योग, जो इंटरग्रल इंटरग्रल योग था, पूर्ण योग को एकात्म योग और इंटीग्रल योग, अलौकिक योग के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि अरविंद भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग आदि के समरूप ऐसे योगी विधि का प्रतिपादन किया जो मनुष्य को पूर्णत्व प्राप्त करता है। श्री अरविंद का योग व्यवहारिक एवं मनोवैज्ञानिक है।
महर्षि अरविंद की पूर्ण योग पद्धति की तीन मूल साधनाएं अथवा अभ्यास अभीप्सा अर्थात अभिलाषा, परित्याग, आत्म उद्घोटन। अरविंद के ये प्रमुख शिष्य हैं। कोई क्वेश्चन? हाँ, रचना ये मोस्ट है। श्री अरविंद की प्रमुख रचनाएं द डिवाइन लाइफ, द लाइफ डिवाइन, द सीक्रेट, द वेदाज, द इंडियन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन यूनिटी, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द फ्यूचर पोएट्री, द ह्यूमन साइकिल, द डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, एसे ऑन द गीता, एसे ऑन द गीता, द साइकोलॉजी ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सावित्री महाकाव्य, लेटर्स ऑन योग। ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले आए हैं। श्री अरविंद की प्रमुख रचनाएं, रचनाएं तो सभी की मोस्ट हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट इज महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, एक मिनट के लिए स्टॉप करेंगे, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करेंगे? हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है सर, एक्चुअली सर 1 मिनट सर, जो भी रिकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं सर, मी सर श्रावणी, 1 मिनट आई एम जॉइनिंग अगेन। अभी तो रिकॉर्डिंग बंद, सर श्रावणी मैम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं।